इस प्रकार कथन करने के बाद इस श्लोक को पढ़ लिए 36 कल
है ना, क्या बोला था, इसलिए तस्मात एवं विदित्वेनम, इस प्रकार से आत्म सत्य को जान करके समझ करके अद्वैते द्योदय स्मृति में बार बार ये स्मरण करो, मैं असंग पूर्ण व्याप्त कुछ कुछ भेद दिखाई दे रहा है, ये जो है परमार्थिक नहीं है, इसी को बार बार स्मृति मतलब नित्य सुन रूपा बार बार इसी को मन को लगाना है, निश्चय करके स्थिर रहना उसमें। इस प्रकार से अद्वैतम समन्वित प्राप्ति, इस अद्वैत भाव को सम्मत उससे प्राप्त करके हम क्या करना पड़ेगा, जड़वत लोक मनाचरित, अपने को ख्यापन नहीं करते हुए जड़ की तरफ, तो वैसे लोग क्या करते हैं तरफ है, बस अपने को ख्यापन नहीं करते हुए, मैं ये जानता हूँ मेरा इतना शिष्य मेरा ये बड़ा शिष्य, ख्यापन नहीं करते हुए जड़ जड़ मतलब सामान्य व्यक्ति की तरह संसार में विचरते हैं। इसका भाष्य भी पढ़ लिया था शायद, नहीं टीका के साथ देख लेते हैं दोबारा, ये जो हमारे एक मोक्ष संपर्क पुण्य पुण्य उपरमे व्यम पुनर्भवने भया शांत सन्यासीनो जानते तस्मी मोक्षात्मने, इस जिस समय इस साधन की दृष्टि से पुण्य पुण्य दोनों चला जाता है और जिसको जानने पर संपूर्ण निर्भय हो जाता है, इस प्रकार तो शांत अंदर से शांत सन्यासीन मतलब सब कुछ त्याग कर रहे हैं, वो लोग जिसको प्राप्त करते हैं, जब जानते हैं जिसको प्राप्त करते हैं तस्मी मोक्षात्मने, मोक्ष धर्म में हमें उस मोक्ष स्वरूप आत्मा को हमारी नमस्कार है, मन नियत वहाँ पे हमारा मन लगा हुआ है ऐसा कहने से नमस्कार मतलब नित्य स्मरण। अच्छा टीका में आने ये टीका का इस पंक्ति को हमने पढ़ लिए थे, मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार संस्कारात वेदांत अर्थ तात्पर्य मतम पंडितानम अपना अद्वैत प्रत्यय ताढ़ सिद्ध थे, क्योंकि मिथ्या ज्ञान की जो संस्कार इतना अधिक है उसके कारण से वेदांत अर्थ से तात्पर्य जानने वाले व्यक्ति को भी पंडित व्यक्ति को भी अद्वैत में तो बार बार हमें दृढ़ प्रत्यय होना तो संभव ही नहीं है, ऐसा फिर कहते हैं तो नहीं तस्माद एवं विदितेनम अद्वैते जोड़िय स्मृति, मतलब जो अपने साधन के द्वारा अनुभव किया बार बार स्मृति को वहाँ पे जोड़ के रखना चाहिए, है ना, उनको जोड़ के रखना चाहिए। शास्त्रात् अद्वैत अवगम्य टीका में शास्त्रात् अद्वैत अवगम्य स्मृति संतति पूर्वक लोक अनुवर्तने विधि नियम अहम, शास्त्र से अद्वैत को समझ करके वो अनुभव करके फिर क्या हुआ कि अनुभव के बाद स्मृति होती है, इसलिए बोलते हैं शास्त्रात् अद्वैतम अवगमन, अवगमन मतलब अनुभव करके अनुभूय स्मृति संतति, उसमें ही जो है स्मृति संतति को हमारा जो स्मृति प्रत्यय को क्या क्या चलाना चाहिए, पूर्वत लोक अनुवर्तन लोक में व्यवहार करने में नियम विधि को कहते हैं, आपको कैसे लोग व्यवहार करना चाहिए नियम विधि में, मतलब नियम विधि को कहते हैं अनेक प्रकार से आप लोग व्यवहार कर सकते हैं, उसमें कैसे यानी को कैसे चलना चाहिए वो नियम करके मैं बताया था कि अपूर्व विधि नियम विधि परिश्रम करनी, अपूर्व विधि मतलब जो किसी से प्राप्त नहीं होता और नियम विधि मतलब अनेक में से एक को नियमन कर देना, और परिसंख्या विधि मतलब नहीं करने से अच्छा है, नहीं किए नहीं रह सकते तो इतना मात्र करो, तो यहाँ पे बोलते हैं आप देखिए तस्मात इति अस्य अर्थ महा, ऊपर जो मूल में है तस्मात एवं विदित्वेनम तस्मात सर्व अनर्थ प्रश्न प्रश्न रूपत्वात् अद्वयम शुभम अभयम अत एवं विदित्व, क्योंकि समस्त संसार वहाँ पे शांत हो जाता है, इसलिए अद्वैत की परम कल्याणकारी है, वो भय रहित भी है, अतः इसलिए एवं विदित्ता जब तक हम भेद बुद्धि रखेंगे तब तक हमारा भय बना ही रहेगा, अतः एवं विदित्ता इसलिए इसको अच्छी तरह से जान करके समझ करके एवं अद्वैत इसी अद्वैत में ही स्मृति जो रहे अपनी स्मृति को जोड़ के रखना चाहिए, स्मृति को जोड़ के रखना चाहिए। यहाँ पे जो आया है ना एवं विदित्ता, एवं मतलब किस रूप में जानते हैं टीका का जी एवं इति निर्विकल्प तत्वादि परामर्शी ऊपर बोलते हैं निर्विकल्प प्रपंच को सम है ना अद्वय, इस प्रकार से निर्विकल्प प्रपंच को सम अद्वय ही अयम आत्मा दृष्ट है ना, इस प्रकार से एवं इति निर्विकल्पत्वादि परामर्श पहले श्लोक में जो बोलते हैं उसको परामर्श करते हैं विदित्वा है ना एवं विदित्वा शास्त्र का अवगम ज्ञान करके मतलब शास्त्र के सारे जाएंगे, शास्त्र कैसा बोल रहे उसे अपने मन मन की मत सोचिए, शास्त्र के अवलंबन करके सोचिए उसको शास्त्र का अवगम इति अर्थ, इसको अद्वैत अवगति दाढ़
स्मृति शांति कर्तव्यताया नियम कृति अभ्यान जानाति अद्वैत बोध में दृढ़ता लाने के लिए अद्वैत अवगति दाध्यात्म अद्वैत बोध में दृढ़ता लाने के लिए स्मृति संतति कर्तव्य स्मृति संतान बार बार जो अपने स्वरूप की स्मृति करना हमारे लिए कर्तव्य नियम विधि है। नहीं तो स्मृति क्या होगा, इधर उधर जन्मांतरी संस्कार से इधर उधर भागने लगे, विषय चिंतन करने लगे। इस विषय में अभ्यन जानाती अभ्यमाश नंबर टिप्पणी में तस् सम्मति दर्शयती अद्वैत अवगमाय स्मृति अद्वैत में दृढ़ निष्ठा रहने के लिए ही बार 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 उसमें स्मृति करना चाहिए। अद्वैतम इत्यादि उत्तरार्थम विभाजन श्लोक में आई है अद्वैतम समानुप्राप्य जड़बद्ध लोकमाचरेत, तो इन अद्वैत उस श्लोक की जो अगला आधा भाग है उसको व्याख्यान करते हैं। तच्च अद्वैतम अवगम इस प्रकार से भेद राहित्व को समझ करके अब क्या होगा, मैं अब ये मेरा स्वरूप है अहम अस्मि परम ब्रह्म आत्मा ही निर्विशेष मेरा का निर्दुष्य व्यापक तत्व असंग इस प्रकार से अनुभव करके विदिता मतलब अनुभूय अशनायादि अतीतम भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु ये सब मेरे धर्म में सर्वोच्च ही बोलते हैं इसको, है ना। भूख प्यास जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख दुख ये सब हमारे धर्म नहीं है। अशनायादि अतीतम आदि वत् शब्द है इससे अतिक्रमण करके विद्यमान साक्षात अपरोक्ष जो किसी भी माध्यम से आपने नहीं जाना सीधा सीधा आपका अनुभव में आया इस प्रकार से अजम आत्मान जन्म रहित आत्मा को जान कर बोले विदित जन्म अजम आत्मान विदित्वा से बात क्या होगा सर्वलोक व्यवहार अतीत जानने पर समस्त लोक व्यवहार को अतिक्रमण करके रहना चाहिए, लोक व्यवहार को बोलना चाहिए। यहाँ पे देखिए टीकाकार बोल रहे हैं कि जड़ सादृश्यस्त प्रथम लोकाचरण बुद्धि लोकाचरण बुद्धिपूर्व कार्य इत्यादि आशंक ये बोले जड़ जड़ के समान हो जाए, तो जड़ के समान हो जाए तो व्यक्ति लोकाचरण कैसे रहेगा, लोकाचरण तो बुद्धिपूर्वक होता है, लोकाचरण तो बुद्धिपूर्वक होता है, जब जड़ जड़ व्यक्ति आचरण कैसे करेगा। जड़ सादृश्य से जड़ के समान होकर के रहना जड़ोवत लोकमाचरे जड़ सदृश्य प्रथम कैसे लोकाचरण उसका लोकाचरण कैसे हो सकता है। लोकाचरण दो नंबर टिप्पणी लोक व्यवहार अनुकूल व्यवहार लोक व्यवहार के अनुकूल व्यवहार कैसे कर सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि लोकाचरण अबुद्धिपूर्वक कार्यत्व आचरण अबुद्धिपूर्वक कार्यत्व क्योंकि जड़ जड़ व्यक्ति तो काम बुद्धिपूर्वक करता नहीं है इति आशंक सर्व लोक व्यवहार अति तो समस्त लोक व्यवहार से ऊपर उठ करके रहना है, लोक व्यवहार करना ही नहीं है सब इन पैसे बोल रहे हैं। लोक व्यवहार करने के लिए तो परंतु जीवन मुक्त पुरुष को भी जो क्या होता है प्रारब्ध के बलवत्त के कारण वहाँ पे क्या होता है सुख दुख करना होता है। आप चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए बोल रहे हो सुख दुख की अनुभव चित्तवृत्ति के बिना होना संभव ही नहीं है, बोल रहे हैं वहाँ पे ये चित्तवृत्ति निरोध करना तो संभव ही नहीं होना। क्या चाहे आप सामान्य व्यक्ति के साधन के लिए तो है ही वो कर नहीं पाता हो तो असम करना मुश्किल होता है। मान लीजिए जिसने तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया तत्वज्ञान होने पर भी चित्तवृत्ति निरोध कैसे होगा, मतलब प्रबल प्रारब्ध की बलवत्ता के कारण हो जीवन मुक्त अवस्था में जो सुख दुख भोगना है उस सुख दुख भोगने के लिए आपको चित्तवृत्ति चाहिए, चित्तवृत्ति निरोध कैसे होगा। ये जो कहना ये कश्यम न पश्यम जड़वत जो कहा है जड़वत इसका मतलब बिना विचलित हुए ऐसा नहीं बोलते बिना बिना विचलित हुए वही तो बोल रहा है वहाँ पे बिना विचलित हुए ये तो मनोवृत्ति जड़ बात मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं अप्रखापयन आत्मानं जड़ जड़ मतलब क्या बोलना चाहते हैं, विचलित भी मतलब हो सकता है किंतु आपने वो ख्यापन नहीं करते हुए हाँ ख्यापन नहीं करते क्या बोलते हैं अहम एवं विधवत एवं मैं इस प्रकार का हूँ मैं इस प्रकार का हूँ मेरा ये है मेरा वो है इस प्रकार अपने को कुछ भी नहीं दिखाते हुए सामान्य व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तरह सामान्य व्यक्ति जैसे उपयोगी होता है अथवा तो सामान्य व्यक्ति जैसे विचलित हो जाता है। अगर हो भी जाते पर अंदर से जानते हैं कि जो ऊपर है विचलन मन में है आत्मा में नहीं है, आत्मा में नहीं है कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आप बोल रहे हैं कि जड़ सादृश्य कथम लोकाचरणम अबुद्धिपूर्वक जड़ की क्षमन व्यक्ति तो बुद्धिपूर्वक काम नहीं कर सकता मतलब लोक व्यवहार अनुकूल व्यवहार कैसे हो सकता है।
इति आशंका करने पर सर्व लोक व्यवहार अतीत समस्त लोक व्यवहार से ऊपर उठ जाता है। जड़वत लोक मतलब जड़ के समान लोक व्यवहार करना चाहिए। जड़ के समान मतलब क्या होता है, टीकाकार बोलते हैं लौकिक व्यवहार आतिथ्य, टीकाकार देख लिया लौकिक व्यवहार आतिथ्य विदुष जड़वत आचरण किंतु समिति अपेक्षाया लोक व्यवहार से ऊपर उठ करके विद्वान एक जड़ की तरह पड़ रहे, ये क्या अभिष्ट हुआ, इसको समझ में नहीं आ रहा, ये क्या सोच सकते हैं। लोक व्यवहारान अतिथ्य समस्त लोक व्यवहार को अतिक्रमण करके विदुष ज्ञानी पुरुष का जड़वत जड़ के समान आचरण आचरण करेगा कितनी समय के सोच सकता है, कितनी अपेक्षाया इस प्रकार की अपेक्षा होने पर चतुर्थ पादम अनुद्रत चतुर्थ पाद को अनुवाद करके उसके तात्पर्य को बोल रहे हैं भगवान भाष्य का, क्या बोलते हैं जड़वत लोक आचरे जड़ समान लोक आचरण करते, क्या लिखा था अप्रख्यापयन आत्मान अपने को ख्यापित नहीं करते, अपने को नहीं दिखाते हुए आपने को नहीं दिखा चुका अहम एवं भी लग गया मैं इस प्रकार का हूँ कभी भी नहीं दिखाने की अभिप्राय एवं आपकी क्या दिखते हैं एवं विधो अहम इति आत्मान मैं इस प्रकार का हूँ मैं आत्मज्ञानी हूँ मेरे पास सारा शास्त्रीय ज्ञान है ये सब जो है मतलब हमारे अंदर कोई वासना नहीं है इस प्रकार के शब्द होते हैं एवं विधो अहम इति आत्मान विद्या अभिजन आदि भी दीजिए तो पहला हो गया विद्या ज्ञान और अभिजन मतलब हमारे इतना शिष्य हमारा ये आश्रम हमारे ये बना ये अभिजन मतलब रिलेटिव रिलेटिव एंड रिलेटिव जो हम उसको इसके अलावा अप्रख्या अयन अपने को ख्यापित नहीं करते जड़वत एव मतलब एक जड़ के समान ही विद्वान लोकम आचरण विद्वान व्यक्ति लोक में आचरण मतलब वो विद्यमान नहीं जब तक प्रारब्ध तब तक रहना पड़ेगा और उस प्रारब्ध के अनुसार जो काम कर वो भी करना पड़ेगा इस प्रकार करना चाहिए इति योजना ऐसा यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब जो टीकाकार बोलते हैं कि जड़वत लोक आचरण से उसका और स्पष्टीकरण दे जड़वत लोकम आचरण उसका क्या है ननु परापर देवयोः स्तुति पूर्वक प्रणामस्य श्राद्धादि क्रियायश्च कर्तव्यतया प्रतिबंधात् कथम विदुष जड़वत आचरणम् इति तत्त्वतः जड़ की मतलब क्या है जड़ की तरह प्रणाम है परंतु वह ईश्वर है देवता उसको तो प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा करना चाहिए इसलिए बोलते हैं पर अपर देवता पर देवता हो गया ईश्वर मान लीजिए अपर देवता समान ईश्वर ये देवता आदि इस प्रकार पर अपर देवतयोः स्तुति पूर्वक प्रणाम उसको स्तुति करके उसको स्तुति कर उसको प्रणाम कर इसका और फिर क्या है पितृ ऋषि आदि के लिए तर्पण करना श्राद्धादि क्रियायश्च कर्तव्यतया इससे इससे ये सिद्ध होता है कि सन्यासी के बिना भी ज्ञान हो सकता है किसका जिसके लिए कर्तव्य कर्म श्राद्धादि तर्पण है क्योंकि हम ये क्या बोल रहे हैं स्वाधा का प्रयोग होता है स्वाहा स्वाधा कहाँ प्रयोग करेगा स्वाधा जो पितर के उद्देश्य में जब कुछ दिया जाता है तो उसको स्वाधा बोलते हैं देवताओं के उद्देश्य स्वाहा बोलते हैं ये स्वाधा स्वाहाकार बोलने हैं मतलब बाहरी बिंग संघर्ष नहीं देते हुए भी ज्ञान हो सकता है ऐसा उसकी जगह स्वतंत्र प्रयोग किया जाए आपके श्लोक को पढ़ने के बाद मैं स्पष्ट करूँगा परापर देवयोः स्तुति पूर्वक प्रणामस्य मतलब पर देवता अपर देवता ईश्वर और जो है बाकी जो अन्य अन्य देवी देवता इन लोगों के प्रतिस्तुति पूर्वक जैसे भगवान शंकराचार्य जहाँ जहाँ गए वहाँ देवी देवता को स्तुति करते प्रणाम करते इस प्रणाम को जो होना स्वाभाविक है फिर श्राद्धादि क्रियायश्च और इससे क्या लगे सन्यासी के लिए होगा फिर और जो बुद्धि गृहस्थ आश्रम में है फिर उसके लिए भी श्राद्ध कर्पण आदि कर्म तो नहीं करते हैं वो भी करना पड़ेगा उसको कर्तव्यताया ये तो कर्तव्य रूप में दिखाई पड़ता है प्रतिबद्धा वो तो आपका जड़वत आचरण में प्रतिबंध हो जाएगा प्रतिबद्धा प्रथम विदुष जड़वत आचरण इसलिए विद्वान पुरुष जड़ की तरह आचरण कैसे करे लोक शिक्षा के लिए तो कुछ आचरण करना ही पड़े वो कैसे करे वो मैंने आनंद गिरी जी को देखिए कैसा कैसा प्रश्न उठा करके उसका सारा जितना हमारे अंदर उठ सकता है सारा प्रश्न उठा करके उसका समाधान दे दिया परापर देवयोः स्तुति प्रणाम पूर्वक प्रणामस्य पहला काम दूसरा क्या श्राद्धादि क्रियायश्च अथवा श्राद्धादि क्रिया जो लोग करते हैं क्रियाया ठीक है वो क्रिया का षष्ठी वचन है क्रियाया क्रिया प्रातिपदिक जैसे रोमा रोमया और रोमाया यहाँ पे बोलते हैं अपनी रोमया तृतीय रोमाया षष्ठी वचन प्रणाम पूर्वक प्रणाम षष्ठी वचन है
साध्यादि क्रियाया साध्यादि क्रियाओं का च कर्तव्य जो कर्तव्य रूपण के कारण प्रतिबंध किंतु जड़वत आचरण में प्रतिबंध को जाने से कथम विदुषो जड़वत आचरण विद्या जड़वित आचरण कैसे कर सकते हैं यदि तत्र इस पर शंका करने पर अब अगला उत्तर बोल रहे हैं तत्र आ छोटे अच्छा ठीक है कोई बात ठीक है ठीक है श्लोक को देखिए निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वाधाकार एव च निस्वाधाकार एव च चलाचल निकेतश्च चलाचल निकेतश्च यदि यादृच्छिको भवे यदि यादृच्छिको भवे निस्तुतिर निर्नमस्कारो निस्वाहाकार एव च चलाचल निकेतश्च यदि यादृच्छिको भवे भाई कोई स्तुति कोई प्रणाम आदि करने की आवश्यकता नहीं है निस्तुति निर नमस्कार स्तुति प्रणाम ये सब की कोई अनिवार्यता नहीं है आपको गए गए गिरा इसका मतलब आप ना करो ये भी नहीं बोल रहे हैं आपको निषेध नहीं कर रहे हैं और नहीं करो तो भी कोई आवश्यकता नहीं है मतलब इसके बाद जो यह स्वाधाकार भी बने स्वाधाकार मतलब पितरों के लिए जो कर्म होता है सन्यासी तो स्वाधाकार के लिए इसका अधिकारी नहीं रह जाता स्वाधा लिखा है स्वधा स्वधा का अर्थ हमें क्या पता स्वधा का स्वधा स्वाहा इसको बोलते नहीं शब्द देवताओं को स्वधा का तो निस्वधाकार एवं मतलब ये तो पितरों को उद्देश्य करके उसमें प्रयोग करते हैं इस संभव लगता है गौर पदाचार्य को ये पूरा नहीं है कि इंद्र संन्यास ग्रहण करने से भाष्यकार तो थोड़ा थोड़ा संन्यास के बदले पक्ष को अधिक करते हैं परंतु बोध पदाचार्य को क्योंकि इसका तो प्रसंग भी नहीं होता जो प्रसंग से प्राप्त है उसको निषेध करना तो होता है जो प्राप्त है उसको निषेध नहीं कर सकते इससे ये लगता है कि संन्यास आश्रम में ही जाके ज्ञान होगा जरूरी नहीं है किसी भी आश्रम में ज्ञान हो सकता है इसमें यहाँ पे ये दिखता है निस्तुति मतलब आपको किसी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है किसको नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है अश्वाधा सहाकार तो संन्यास के पहले ही अधिकार छोड़ जाता है संन्यास का तो हो सकता है कि गृहस्थ आश्रम में रह करके भी पहले ऐसे थे लोग मतलब ज्ञान निष्ठ थे स्वाहा पुण्य का ना अधिकार नहीं है स्वाहा तो क्या करे वो चला चल निकेतस हमारा सभी जगह पे देखना फॉर्म भरने के लिए दो बोलते हैं परमानेंट एड्रेस एंड टेम्पोररी एड्रेस ये आज से नहीं है अनाधिकार से चलता है आपका दो एड्रेस है एक टेम्पोररी एड्रेस एक परमानेंट एड्रेस टेम्पोररी एड्रेस मतलब अभी कुछ दिन के लिए उत्तरकाशी रहे या फिर टेम्पोररी एड्रेस हो गया और परमानेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे पिता माता के घर उसको कैसे करते हैं वो तो दोनों ही मिथ्या है ये टेम्पोररी एड्रेस ये शरीर है और परमानेंट एड्रेस हमारे स्वरूप है ईश्वर हमारा परमानेंट एड्रेस है ये हमारा परमानेंट एड्रेस है शरीर हमारे टेम्पोररी एड्रेस है चल और अचल ये चल निकेतन है और अचल निकेतन है इसका अंदर जो बैठा अचल निकेतन चला चल निकेतस ये चल और अचल दोनों निकेतन हो करके अब जो यदि यादृच्छ को भावे वो जहाँ कभी जैसा व्यवहार करना चाहते हैं यदि यत्नशील पुरुष यादृच्छ को मतलब जैसा मतलब जिन प्रकार बहुत सावधान करते जैसा इच्छा करे इसका मतलब निषिद्ध कर्म करेगा हो ही नहीं सकता ये किंतु अनेक जन्म की पूर्ण संचय होने पर मतलब शास्त्रीय कर्म के अभ्यास करने पर तब जाके ज्ञान होता है
इस समय फिर लोग ज्ञान के बाद निषिद्ध कर्म करने लग जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। मतलब जैसा इच्छा वो रह सकते, मतलब यतनशील यतते इति यदि बोलते हैं यदृक्षी पर एक नंबर टिप्पणी शास्त्र अनुमत प्रयत्न व्यतिरेक है ना। शास्त्र यदि यानी कि आप कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो मतलब शास्त्र की अनुमति जिसके लिए नहीं है उस अनुमति को छोड़ करके जो भी कुछ सामान्य से प्राप्त होते हैं यदृक्षा जो मानना बोलते हैं ना अपने समक्ष अपने आप जो आ गया जो वस्तु तो असंतुष्ट उसी से संतुष्ट रहना उसी संतुष्ट रहना उसको यदृक्ष को बोलते हैं। शास्त्र निषिद्ध तो करना ही नहीं है, शास्त्र विधान किया कि भिक्षा आप कर सकते हैं, सन्यासी को भिक्षा के विधान है और वो भी तीन या पाँच घर नमोनारायण बोल कर खड़े हो जाना, तो इसका निषेध नहीं है। इसी से जो प्राप्त हुआ उसी को संतुष्ट इसलिए बोलते हैं यदृक्ष। अथवा कोई भी व्यक्ति अजगर व्यक्ति नहीं करा लेते हैं अपने जगह पर ही रहते हैं जैसे उनके पास आ जाता है उसी से करते करते रहते इसी को ना मोक्ष धर्म में एक श्लोक इसको भगवान भाष्यकर बृहदारण्य में उद्धृत किया। निराशीष मन आरंभम निर्नमस्कार निस्तुति अक्षीणम क्षीण कर्मानंतम देवा ब्राह्मणम विदुः। निराशीषम अनारंभ किसी की वस्तु के प्रति कोई आशा नहीं है, किसी को मतलब कैसे आचरण करेंगे इस प्रश्न में मतलब जीवन मुक्त पुरुष के आचरण कैसे होते उसका समझेंगे। निराशीषम किसी से किसी प्रकार आशा नहीं है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी और कोई भी कर्म संकल्प नहीं करता ना आरम्भ। दो चीज पहले होते हैं ये भग्योदारण में शरीर ब्राह्मण में आया होते हैं शरीर ब्राह्मण में आया है मोक्ष धर्म से ही निराशीषम अनारंभ निर्नमस्कार स्तुति किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपमान करने की आवश्यकता नहीं है। अक्षीणम क्षीण कर्म मतलब जो अपना अक्षय भाव को समझ गया अर्जुन का सारा कर्म संचित कर्म चाहे हो गया क्षीण कर्म तम देवा ब्राह्मणम देवता लोग पुरुष को ब्राह्मण बोलते मतलब ब्रह्म जाना थे कि ब्राह्मण बोले वो हाँ तब 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 उसी ने होगा शायद किसने कि मौनम चवे मौनम चवे अथवा ब्राह्मण हाँ हाँ उसे कहल ब्राह्मण होगा वहीं पर होगा शायद वहाँ पर आया होगा। यहाँ पे क्या होता है निराशीषम अनारंभ निर्नमस्कार ये देखिए कैसे आपको जीवन मुक्त अवस्था में कैसे रहना है। कहते हैं जड़बल आचरण क्या होता है कोई स्तुति की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई आशा रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कोई कर्म तो संकल्प ही करना नहीं है ना किसी को प्रणाम ग्रहण करना अपना करे तो भी कोई बात नहीं करे तो कोई बात नहीं भगवान को स्मरण करें। अब क्षीणम क्षीण कर्म जो आपकी क्षय रहित तत्व है और अपना जिसका सारा संचित कर्म क्षय हो गया इस प्रकार के व्यक्ति को तम देवा ब्राह्मणों विदुः उसी को देवता लोग ब्राह्मण रूप में जानते हैं। ये मतलब जीवन मुक्त अवस्था में क्या स्थिति रहता है उसको समझाने के लिए मोक्ष धर्म भी इसको गया हुआ। अब यहाँ भी बोल रहे हैं स्तुति निर नमस्कार निस्वाधाकार चलाचरण निकेता से ध्यान तक न कर दो निकेतन आप यदि जानते हैं तो हमेशा अधिकतर व्यक्ति परमानेंट एड्रेस में रहना पसंद करते हैं किसी निमित्त को लेकर के टेम्पोररी एड्रेस में रहने का ही छुट्टी मिलने पर ही परमानेंट एड्रेस में चले जाते हैं। नौकरी करने वाले व्यक्ति टेम्पोररी एड्रेस में रहते हैं छुट्टी मिलने पर परमानेंट एड्रेस में रहते हैं। यहाँ विज्ञान होने पर तो परमानेंट एड्रेस में ही रहता है कभी भूख पे आजादी का कोई बोध होने पर तब जो है टेम्पोररी एड्रेस में आकर के थोड़ा कुछ शादी करके जीव करते बंद कर लिया ये जो है शास्त्र निषिद्ध कोई कर्म नहीं करना चाहिए शास्त्र निषिद्ध कर्म कर सकते। तो देखिए यहाँ पे टीका का जो है शास्त्र अनुमत प्रत्यय व्यतिरिक्त यदृच्छ तया संतुष्ट यदृच्छ करो यदृच्छ लाभ मात्र नैव संजत अलग प्रत्यय किया मतलब जितना प्राप्त हुआ उसी में मन संजत अलग प्रदेश एनफ फॉर मी संजात संबंध उत्पन्न अलग मैं प्रदेश एनफ संजत अलग प्रत्यय वृत्ति अपने एनफ फॉर मी यदृच्छ लाभ मात्र जो भी कुछ मिला उतने मात्र से अपने अंदर से एक बोध करना शरीर के लिए इतना बहुत है इच्छा क्या क्या चाहिए
जगन इसी जागृति इसका भी प्रेत रहता है। अब आइए ये फिर टीका है, पहले तो हमने पढ़ लिया तथापि जीवता वापि स्थातव्यत्वा आश्रय उद्देश्य प्रवृत्ति आवश्यकत्वा तो जड़ साथ कृष्ण आशंका आ। देखो जब तक शरीर है, जब तक शरीर है तब तो का तो कहीं ना कहीं किसी आश्रय में रहना पड़ेगा, है कि नहीं। सामान्य व्यक्ति का मन में क्या होता है, जो भगवत के भगवत श्री कृष्ण भक्त भी इसका छोड़ रहे अनिकेत स्थिर मतिहीन भक्तिमान जो सामने होती है या तो श्रद्धा में पड़ता है। अनिकेत मतलब ये नहीं कहा कि आपकी शहर के लिए आपके शहर के लिए कुछ ना हो, कहीं भी किसी जगह में किसी वस्तु को भी आशक्त हो अपना पढ़ना शरीर जहाँ पर रहेगा नहीं, इसलिए वह उसका साथ जोड़ दिया स्थिर मन बुद्धि एक जगह मनुष्य है किसी को देखे अंदर होते हैं। तथापि ठीक है मतलब आपको कोई स्तुति नमस्कार आदि स्वाद नहीं करना है, यही करना फिर भी जब तक जिएंगे जीवता जीव व्यक्ति के द्वारा वो आपकी स्थातव्य तक किसी न किसी तो रहेगा वो न कहीं तो रहेगा वो आश्रय आश्रय उद्देश्य उस आश्रय को उद्देश्य का विधान करें प्रवृत्ति आवश्यकता कुछ ना कुछ प्रवृत्ति कर नहीं पाएगा उसको वो तो जड़ जड़ साध्य सुन जड़ साध्य सुन कैसे रहेगा। ऐसा करते हुए आसन पर करते तो बोलते हैं आपको ऐसा लगता है कि हम आप शरीर को मैं समझते हैं इसलिए शरीर के लिए आश्रय ढूंढते हैं। अब जो है वो आत्मा को आश्रय समझते हैं तो आत्मा क्या होता है कि अपने अपने आत्मा को निराश्रय है मतलब अपने आश्रय में सस्मिन प्रतिष्ठित। तो आत्मा के लिए दो आश्रय है व्यापक आश्रय पूर्ण को जो है वो पहला आश्रय है और जो है प्रवृत्ति निमित्त जिस शरीर से जिस शरीर में रह करके इस तत्व साक्षात्कार अथवा इसका बोध हुआ उस शरीर को तुरंत तो नाश भी नहीं कर सकता क्योंकि समझ में आता है उनको कि इससे ईश्वर ने कुछ कर्म विधान कर रखा उसको नाश करने का भी हमारा अधिकार है ना जीवित मरने व विधि न पूर्वित ना उसको जीने की इच्छा ना मरण की कोई संकल्प कुछ नहीं है जैसा चल रहा है चल रहे उसी यहाँ पर प्रश्न हुआ तथापि जीवता वो आपकी स्थातव्य किसी न किसी जगह पर तो आपको रहना पड़ेगा आश्रय उद्देश्य जिस जगह पे रहोगे उसका उद्देश्य करके प्रवृत्ति आवश्यकता कुछ ना कुछ प्रवृत्ति की आवश्यकता होगा ही होगा वो तो ज्यादा साध्य सुन जड़ साध्य से व्यवहार कैसे होगा ऐसा शंका करके बोलते हैं। अरे उस तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दो ही आश्रय होते हैं चला चरण के तस्य यति गाद्वेच्छी को करे चरणिकेतन को निर्भर करता है प्रारब्धं पुष्यति बहु इति निश्चुद्ध निश्चलं भूतपत् सत् अध्यास परायणं गुरु भगवान बीचरण बोलते हैं। अरे शरीर अपना प्रणब्ध देख करके आया है ये प्रणब्ध ही शरीर को रक्षा करेगा इसको निश्चय करके निश्चल होकर के बस अध्यास को हटाओ इसलिए हमें बोलते हैं चल और अचल निकेतन चल निकेतन हो गया स्थूल शरीर कब यहाँ पे रह सकता है और अचल निकेतन हो गया अपना स्वरूप इसे दोनों किसी किसी जहाँ उसका इस प्रकार से वृद्धि होती है कभी दोनों हो सकते हैं इसलिए बोलते चलम चलम च अचलम च चला चले है ना चलम च अचलम च चला चले निवचन है ते निकेत वो दोनों निकेत है जिसका जस आश्रय अधिकत मतलब आश्रय है जिसका स तथा उस ज्योति देखिए बहुत भी समझता ज्योति गर्भित जिसका चल अचल निकेतन दोनों है कहाँ रहेगा वो चल अचल निकेतन। अब चल अचल निकेतन की रक्षा करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि वही प्रश्न उठाया वो तो कुछ ना कुछ जड़वत कैसे रहेगा बोलते हैं देखो जो उसका अचल निकेतन है उसके लिए कुछ नहीं चाहिए आत्मा के लिए क्या चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा और जो चल निकेतन है वो प्रणत्व को टिका हुआ है तो क्या प्रयास करना है इसीलिए हमें बोलते हैं चला अचल निकेतन जति जाग्रेच्छो भवे इसको बोलते हैं चलम च अचलम च चला चले ते निकेत यस्य आश्रय स तथा वो उसी प्रकार है इति जावति इसकी। अब देखिए आनंद जी ने क्या भयंकर शब्द लिखते हैं तथापि कौपीन आच्छादन अशन पानादि देहस्थिति प्रयोजक अपेक्षया प्रवृत्ति द्रव्य न विदुष जड़ तुल्यता इति आशंक। फिर भी जब तक शरीर है ना तो कॉपी तो चाहिए ठंड के समय थोड़ा एक कंबल तो चाहिए क्या करें उसके लिए कुछ ना कुछ प्रवृत्ति तो करना पड़ेगा। तब बोलते हैं
तथापि फिर भी कौपिन आच्छादन फिर अशनपान थोड़ा भूख प्यास के दिमाग निवारण वृत्ति के लिए माना दी देहस्थिति प्रयोजक अपेक्षा देहस्थिति के प्रयोजन की अपेक्षा से प्रवृत्ति द्रव्य कुछ न कुछ प्रवृत्ति तो हुआ ही होगा न विदुष जड़ दुर्लभ इसलिए विज्ञान जड़ समान नहीं हो सकता इति आशंका पहले जा जति यादृच को जो भी कुछ करे उसको क्या फर्क पड़ता है उसके मतलब इस उद्देश्य मुझे ये मिलेगा अथवा इससे ये भावना तो उसका है ही नहीं और शरीर में ठीक है भूख लगा तो गया छत्तर में थोड़ा खड़ा होकर के ले आया दस मिनट लगाया पहले जमाने में तो ये अर्धक्षेत्र की व्यवस्था नहीं थी जिस समय भी गया उस समय तो गाँव में जाके भिक्षा लेना उसके लिए भी नियम है उसके नियम ये बोला था जब आपको दिखाई दे घर से धुआं नहीं निकल रहा है मतलब चूल्हा बंद हो गया उसके आधा घंटा 40 मिनट बाद मतलब क्या भोजन अभी सब खा लिया तब जाके फिर बचा तो आप नारायण हरि बोल के भी खड़े हो सकते और एक सन्यासी हमको बोल रहे थे और एक रूल है जब आप जाओगे यू कैन नॉट कम बैक आपको एक ही रूट से फिर कोई पीछे बुलाया फिर आके ले लिया वो बनारस में भिक्षा करके रहते थे क्योंकि पूर्व दिन शंका हो गया था आप भिक्षा करने के लिए जाओगे तो भी कुछ नियम के अनुसार करोगे तो आपको जो है कि अग्निहोत्र जाप करने में क्या फर्क तो उसका यूज करो तब तब उसके बताइए वहाँ पे अग्निहोत्र के लिए निर्दिष्ट नियम है परंतु व्यक्ति का सन्यासी के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है अरे भूख के प्रसंग में नहीं बोल रहा है नित्य कर्म करने वाला क्योंकि क्या बोल रहा है वहाँ पे कि यावत जीवन अग्निहोत्र आप जो संन्यास ले लिया तो आपको तो अधिकार नहीं है कर्मकांड का इच्छा भी नहीं रखते वो मतलब बोलते तुम्हारा नुकसान क्या होता है क्योंकि तुम तो भीख मांगने जाओ तो भी तो नियम पूर्वक करना पड़ेगा तो अग्निहोत्र जाग भी थोड़ा कर लोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा तो बोलते नहीं अग्निहोत्र जाग करने के लिए हमको पहले मानना पड़ेगा कि क्या मानना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ मेरे लिए शास्त्र ने विधान किया एक दूसरी बात क्या एक निर्दिष्ट समय नहीं करना पड़ेगा परंतु यदि मतलब निश्चय उन्हें पथि विचर तो वो विधि को निषेध होना अतीत होकर के आत्म महिमा में घूम रहे रास्ते कहीं पड़े हुए है कोई दिया खाया नहीं दिया तो नहीं खाया कि भूख लग गई तो कहीं पर मांगा मिला तो खाया नहीं मिला तो क्या करें उसको कोई नियम विधि का ही होकर के काम नहीं है इसीलिए नित्य अग्निहोत्र करना उसके लिए नहीं होना संभव नहीं है यदि यादृच्छिक भविष्य यदि मतलब यहाँ भी दिखे टिप्पणी करके होता है यादृच्छिक मतलब ये नहीं है कि शास्त्र अविहित मतलब शास्त्र विहित आधा शास्त्र इतना विधान किया उत्तर मन में रख करके क्योंकि अनेक जन्म के शास्त्रीय कर्म करने का पुण्य का फलस्वरूप तब जाकर आत्मज्ञान होता है तो इसके अभ्यास के फलस्वरूप उसका शरीर इसमें अभ्यस्त हो जाता है कि मतलब निषिद्ध कर्म को करने का मन में कोई प्रवृत्ति नहीं होती उसके पास ठीक है खतक हो गया मतलब आनंद गिरी जी ने श्लोक का अर्थ कर दिया अब भाष्यकार को लेकर के बोलते हैं आकांक्षा पूर्वकम पूर्वार्थ अक्षराणि व्याचष्टे एक प्रश्न आकांक्षा उठा करते हैं कि पूर्व श्लोक में आए हुए पहला आधा भक्त अक्षर को व्याख्या करते हैं आकांक्षा पूर्वकम तो एक प्रश्न अथवा आकांक्षा उठा करके पूर्वार्थ अक्षर श्लोक के आए हुए पहला आधा भक्त अक्षर है उसको व्याख्या करते हैं भगवान भाष्य तो देखिए पूछते हैं कया चर्यया लोकम आचरित किस प्रकार की चर्चा के द्वारा किस प्रकार की व्यवहार करते हुए लोक आचरण करेगा वो कया चर्यया है ना कि यहाँ पे लोकम आचरित लोग व्यवहार कर सकते हैं कि आह तब उत्तर में क्या होता है स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्जित है ना कोई किसी को स्तुति करते हैं कोई स्तुति करे इस प्रकार भावी मन में नहीं किसी भी सर्व कर्म वर्जित है किसी प्रकार की शास्त्रीय कर्म आदि का सर्व कर्म वर्जित खाना पीना नहीं वो तो कर्म लेकर के जहाँ कहेंगे शास्त्र में कर्म आया हो ना वहाँ मुख्य रूप से आपने शास्त्रीय कर्म को ही लेना है शास्त्रीय कर्म को ही लेना है इसलिए सर्व कर्म वर्जित तो ये कैसे हो सकता है त्यक्त सर्व बाह्येषण
उत्तेषण वित्तेषण लोकेशन से ऊपर उठ करके व्यक्त सर्व पारिषण प्रतिपन्न परमहंस परिप्राच्य अभिप्राय इसने परमहंस मतलब विवेक पूर्वक पारिप्राच्य को वर्णन किया है। यानी इस प्रकार के व्यक्ति कैसे रहना पड़ेगा उसको निस्तुति निस्तुति नमस्कार स्तुति नमस्कार आदि सर्व कर्म वर्णित स्तुति नमस्कार आदि सोशे समस्त कर्म से वर्णित थोड़ा बहुत ही समस्या नौमने के फिर बुरा है त्यक्त सर्व बाह्यषण समस्त बाह्यषणा को त्याग करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या नौमने प्रतिपन्न परमहंस पारिप्राज्य जिसने विवेक पूर्वक परमहंस रूपी जो पारिप्राज्य बताए मतलब कहीं की कोई आशा निराशा तो भाव परिप्राज्य सामान्य परित व्रजती परिप्राजक और पारिप्राज्य मतलब व्यापक परिप्राजन को ग्रहण करते हुए अभिप्राय रह सकता है मतलब यदि परिप्राज्य का अभिप्राय किसी जगह पे कोई आसक्ति मुख्य रूप से और परिव्रजन वृत्ति भी है किंतु वर्तमान में जो परिव्रजन वृत्ति जो हो क्योंकि वहाँ पे एक जगह पे जा करके आप 7 या 10 कदम जा करके फिर वहाँ का कर रहे हैं वो वृत्ति बहुत कठिन है। आजकल उतना तो नहीं मानते हैं तो फिर भी सामान्य रूप से जो है परिव्रजन लाक्षणिक अर्थ परिव्रजन के शांतार्थ तो क्या हो गया कि निराशक्त तो हो क्योंकि आप आज यहाँ कल वहाँ रहेंगे तो कहीं कोई आसक्ति नहीं होगा। चप्पल कोई नहीं भी पहनता है कोई संकल्प करते हैं चार धाम परिक्रमा पैदल करते हैं केवल तो चार धाम परिक्रमा अभी कुछ ही दिन में आपको दिखाई देगा कि कहीं अपना गाँव में गोमू या गंगू पुस्तक पानी लेकर के वो भी दंडवत जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे साथ में एक छोटा बच्चा वो बच्चा क्या कर रहा पिताजी जहाँ पे उसका समाप्त हो रहा है वहाँ पे दाव कर रहा है फिर उठ करके वहाँ से दंडवत कैसा करते हम यही तो मुख्य रूप से करते हैं दूसरे का हमने देखा नहीं जा सकते जाता है कि नहीं जाते तो हमने देखा नहीं हमने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ तो देखते तो उसी इस प्रकार से आकांक्षा पूर्वक पूर्वार्थक्षराणि व्याचष्टे व्याचरे स्तुति नमस्कार आदि सर्वकर्म वर्णित त्यक्त सर्व बाधिषण प्रतिपन्न परमहंस परिप्रज्य इति अभिप्राय क्या कहेगा एतम वैतमात्मानं विदित्वा उत्तेषण वित्तेषण लोकेषण उत्थाय भिक्षाचार्य चरन्ति उसी बात को कहते हैं उसको जान करके एतम वैतम आत्मानं विदित्वा इस उस आत्मा को पहले परक्ष उसी को मतलब हमको यहाँ पे लिखा नहीं मैं कल बताऊँगा दूसरा पुस्तक में मेरी प्रैक्टिस में नहीं है 351 दिया है हाँ ठीक है 351 तृतीय अध्याय पंचम ग्रह में एक कमल ब्राह्मण में आया उस स्तर का कमल ब्राह्मण जो होगा मृत्यु कमल ब्राह्मण है बस वही है कमल ब्राह्मण तो यहाँ पे बोलते हैं आगे वर्णाश्रमादि अभिमान वतः तत्तत् कर्मसु वर्तमानस्य कथम विशेषणमिति आशंक आह वर्ण और आश्रम में अभिमान रखने वाला व्यक्ति है ना वर्ण आश्रम वर्णाश्रम अभिमान वतः वर्ण और आश्रम में अभिमान रखने वाले व्यक्ति का तत्तत् कर्मसु वर्तमानस्य वर्ण और आश्रम विहीन कर्म में विद्यमान रहते हुए कथम इतम विशेषण उसके लिए ये विषय कैसे दे दिया आपने इससे देखिए आपने ये वर्ण और आश्रम स्वाहा साधक बोले ना ज्ञान होने के बाद तब तक नहीं हो सकता जब तक बाहरी यशना पूरा आपको गृहस्थ आश्रम में शरीर है ऐसा दिखाई सकते सकते जैसे गोपीनाथ कबीर जी महाराज ये कुछ संन्यास नहीं दिया था वर्तमान में पहले जमाने ऋषि लोग तो अलग बात है ये तो बहुत दिन पहले की बात नहीं है बनारस में रहते थे
आपका पास विवेक है किंतु आप सन्यासी है जरूरी नहीं है। बोलते हैं परमहंस पारिप्राच्यम प्रतिपत्ति उसको सन्यासी लेना पड़े असत्यम ये जरूरी नहीं है अप्रामाणिकता किंतु सन्यास प्रामाणिक नहीं है ये न हमारे दंडरहित सन्यासी परमहंस सन्यासी बोलते हैं ये शास्त्र में सन्यास के अधिक अधिक दंड सन्यासी के विधान ये नहीं है ऐसा कहते चेत मैगम आप ऐसा नहीं समझना श्रुति स्मृति में इसका शुद्ध है श्रुति ने इसके बारे में कथन किया है क्योंकि तभी वो उसके लिए दृष्टांत दिया श्रुति स्मृति सिद्धत्वाद यदि आह तम एक स्मित एकम वैतम आत्मा तम विदिता इत्यादि श्रुते विदित्वा इति आपातिकम वेदनम उत्थान हेतुत्वेन उच्यते आपको आत्मज्ञान होने से पहले आपको क्या होता है परोक्ष ज्ञान होता है और परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष अनुभव को प्राप्त करने के लिए ये बाइसिस मतलब पूर्ण ईश्वर का त्याग बिना और जो है वो विज्ञान होना संभव नहीं है इसलिए बोलते हैं विदित्वा यदि विदित्ता से कहने के एकदम वैतम आत्मानम विदित्ता इसी उस आत्मा को परोक्ष रूप में जान करके इसके बोलते हैं आपातिकम वेदना परोक्ष ज्ञान उत्थान हेतु जब आपने इसको परोक्ष ज्ञान के बाद ही इस अपरक्ष अनुभूति के आपके अंदर अपने आप इच्छा होती है उसके उपाय क्या भाग्य संसार इसलिए बोलते हैं आप वेदन उत्थान हेतु ना उच्चत वही जो है आपका उत्थान होता है यहाँ पर संन्यास जब उसके हेतु के रूप में कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आपातिक नंबर तीन नंबर टिप्पणी अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित अर्थ संशयादिग्रस्त उस समय आपका मतलब संशय विपर्य से रहित ज्ञान नहीं हुआ ठीक है ना सर अप्रामाण्य ज्ञान आस्कंदित परोक्ष ज्ञान है अपरक्ष अनुभूति नहीं हुआ प्रामाण्य अभी अपने संभव में इस प्रकार के ज्ञान को आश्रय करके संशय है क्या बन ऐसा भी हो सकते संशय रहित ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा उत्तेजन विश्लेषण लोकेशन दिशा करके तस्मिन उसके आगे भगवान भाष्य का लिख रहे हैं देखो स्तुति में भगवान स्मृति में श्रुति प्रमाण दे दिया एतम वैतम आत्मान विदित्वा स्मृति प्रमाण दे रहा था तदुद्धय तदात्मानस्तन्निष्ठा तस्परायण भगवद्गीता पंचम अध्याय पंचम अध्याय में तदुद्धय तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायण हाँ पंचम अध्याय में देखिए तदुद्धय तत्परनिष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपरावृत्ति ज्ञानी जन धूर्त कर्म संस गच्छन्ति अपरावृत्ति ज्ञानी जन निर्धूर्त कर्म संस 5 by 17 तस्मिन एक और भाष्यकार जी बल उसका अर्थ लिखे तदबुद्ध है तदात्मा तदनिष्ठ तत्परायण इन चार शब्द का क्या अर्थ है अनुग्रह लिखने हैं बोलते हैं तस्मिन एव परस्मिन वस्तुनि विषयांतरे फिर व्यापृत बुद्धि येषा ते तथा योग्य तदबुद्ध तस्मिन एव परस्मिन वस्तुनि उस परम वस्तु में विषयांतरे फिर व्यापृत अन्य विषय से मन को हटा करके बुद्धि को जिन लोगों ने लगाया ये शाम ते तथा मतलब वो लोग को इस शब्द द्वारा कहा जाता क्या तद बुद्धय व्यापृत अलग करके विषय विषयांतरे व्यापृत्या व्यापृता उस बुद्धि ये विषयांतर से व्यापृत करा बुद्धि होता है व्यापृता बुद्धि विषयांतर में नहीं जाता ये बुद्धि का विषय है व्यापृता बुद्धि तद बुद्धय तथा फिर आप क्या बोलते हैं कि तदात्मा तदेव परम वस्तु आत्मा निरुपचरित स्वरूप ये तथा उच्यते है ना वही जो है जो परम वस्तु को उसने जाना हो वस्तु वही मेरा स्वरूप है और वो गौण नहीं है निरुपचरित मतलब गौण नहीं है मुख है स्वरूपम
ये जिन लोगों का जो लोग समझ गया ते तदा ते तथा मान ते तदात्मान ठीक है ना, पहले हुआ तदबुद्धय फिर क्या है तदात्मान, वो जो निर्विशेष परम वस्तु वही मेरा स्वरूप है, इस प्रकार निश्चय कर लिया इसमें ते तदात्मान फिर क्या आया तब निष्ठा ठीक है ना, तब निष्ठा के तस्मिन एव परस्मिन आत्मनि निष्ठा मतलब निश्चय न स्थिति रजेशां ते तथा, समझ में यहाँ पे तब निष्ठा मतलब तस्मिन एव परस्मिन ब्रह्मनि उस पर ब्रह्म में ठीक है ना, तस्मिन एव परस्मिन ब्रह्म आत्मनि ब्रह्म तो आत्मस्वरूप में निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या हो गया निश्चय न स्थिति निश्चित पूर्व स्थिति है जिन लोगों का ते तथा ते कथा मतलब ते तब निष्ठा फिर तत्परायण तदेव आत्मा भूत परम तदेव आत्मभूतम एक एक ऊपर निजी होगी तदेव आत्मभूतम परम वस्तु परम अयनम परागति रजेशम ते कथा वही आत्मवस्तु ही मेरा एकमात्र स्वरूप है वही मेरा गंतव्य स्थान उसी को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, इस प्रकार से भावना बन गया जिसका वो लोग हो गया तत्परायण तो तदबुद्धय तत्निष्ठ तनाम तद तदबुद्ध तदात्मन तदनिष्ठ तत्परायण इस प्रकार के व्यक्ति अपने पक्षम के पुनरावृत्ति वो आप जब यहाँ से संचय शरीर को फिर देते हैं फिर पुनर्जन्म नहीं वो आत्मा उसी में जिसका बुद्धि स्थिर है वही मेरा स्वरूप है और क्या होता है उसी में निष्ठा स्थिर वो कहते हैं और यही जानते हैं कि यही मेरा एकमात्र आश्रय है तदबुद्ध तदेव आत्मभूत वही तत्व जो परम वस्तु वही श्रेष्ठ वस्तु है संशय परम अयनम ऑनली रिसो ऑनली आश्रय है परागति इसको तो परागति ये समझिन लोग जिन लोगों के मन में बुद्धि बैठा हुआ ते तथा ते तथम तथे तत्परायण ये तत्परायण ही वहाँ पे इत्यादि स्मृतिश्च वहाँ पे आदि शब्द इस प्रकार स्मृति से भी आदि शब्द न सर्वकर्माणि मनसा सन्नसस्ते सुखम वशी नवद्वारे कुये देहि नैव कुर्वन्न कारयन् उसी में आया हुआ है पंचम अध्याय में सर्वकर्माणि मनसा चौदह पंडित चौदह पंडित के संसार के आगे आदि शब्देन सर्वकर्माणि मनसा ठीक है मतलब क्या हो गया समस्त कर्म को सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त सुखम बस बस आपने में अपने आप में सुख मतलब कुछ भी कर्म नहीं करता कुछ कर्म का संकल्प नहीं करता कोई मतलब स्तुति नमस्कार स्वाहा सहारा कुछ भी नहीं करते जो होता है सर्वकर्माणि सदा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त सुखम बस संबंध समस्त कर्म का संकल्प संकल्प बस सुखम अस्त सुखम इत्यादि वाक्य बेहद इस प्रकार के वाक्य को ग्रहण करना चाहिए। कदा पुनः चलोते हो विदुष निकेतन भवति ठीक है ये तो आपका अचल निकेतन के बारे में कथन कर दिया परंतु विदुष पुरुष का चल निकेतन कब आएगा वो चल निकेतन कब आएगा कदा पुनः चलोते हो विदुष निकेतन भवति तत्र आगत ये चलम शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावात् चल शरीर क्या होता चल किसको बोला शरीर को बोला शरीर क्या प्रत्येक क्षण में भिन्न प्रत्येक क्षण में इसका दुष्परिणाम हो रहा है तो दिखाई नहीं पड़ता उतना से पुरुष नहीं आ रहा प्रत्येक क्षण में शरीर इसको होता चल नहीं था चलम शरीरम प्रतिक्षण अन्यथा भावात् अचल तो आत्मा हो गया अचलम आत्मतत्वम अचल हो गया आत्मतत्व चल हो गया शरीर हम रहने देता आत्मा पहला वाला अजम अपि युनि योगं प्राप्यैश्वर्य योगात् अमृतहि च गतिमत्तां प्राप्यदेकं ह्यनेकं विविधविषयधर्मग्राहि मुग्धे क्षणानां प्रणतभयविहन्त्री ब्रह्मयतन्नतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य